जमाल नासिर आबिद अपने मेहमानों को बोला था स्टेज पे, अगर स्टेज छोड़ खाली कर दे, स्टेज को खाली कर दे। अंपायर अपनी जगह ले, वैसा दो तीन बल्लेबाजी करते हुए कलरे करते कहा जाएगा कि मरियम तमाम रात ही हुई सोचती रही, मैं जीत कर भी हार गया और हार कर भी जीत गया। अंपायर मैदान में पहुंचे, अंपायर अपनी पोजीशन लेने गए और इलेक्ट्रीशियन मैजिस लाइट को जल्दी से जल्द सही करे गए ताकि मैच शुरू हो सके। इलेक्ट्रीशियन मैजिस और अंपायर से मैच के मैदान में जा सके ताकि मैच जल्द से जल्द शुरू हो सके। ये मैच सिरवा बनाम राजापुर सिगौर के बीच खेला जा रहा है, ये मुकाबला खेला जाएगा, ये फाइनल डे का तीसरा मुकाबला राजापुर सिगौर बनाम सिरवा के बीच खेला जाएगा और इस मैच के बाद जो मुकाबला खेला जाएगा आखिरी मुकाबला जो लीग का खेला जाएगा वो खेला जाएगा जयराजपुर बनाम जागापुर के बीच। इलेक्ट्रीशियन लाइट ऑन कर दें, शेरवा का मुकाबला अगर राजापुर सिगौर जीता तो शक्कत राजापुर सिगौर 500 रुपए की इनाम देंगे। ये फुरकान कलामुद्दीन समाज सेवी जो कमेंट का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, मैं उनका वेलकम कर रहा हूँ। मेहमानों के लिए जो स्टेज बनाया गया है, बच्चों स्टेज खाली कर, मेहमानों के लिए जो स्टेज बनाया गया है बच्चों से गुजारिश है कि वो स्टेज को खाली कर दें और मेहमानों को बैठने की जगह दे। इलेक्ट्रीशियन राजेश तमाम लाइनें डिस्टर्ब है भाई, इस मैच के अंपायर क्या है? ठीक है रुक जा वीडियो मंजीर पट्टी नहीं है भाई, मंजीर पट्टी यहाँ पर नहीं। अरे साढ़े रहे 200 450 मैं जो टाइम देखा था लगभग 900 सिंगल ना लेते रहे खाली होते ही चक्कर में। प्लेस वाले का हाँ कि कुछ लाइट ऑफ है, लाइट को ऑन कर दें तो फुरकान कलामुद्दीन खान हमारे बीच मौजूद मान का वेलकम कर रहा है जो अपने मेहमान खास करके आए हैं, जो मेहमान खास बनकर रेस्टोरेंट में आए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। दोनों टीम गाने बजाए राजापुर सिकंदर और शेरवा, दो टीम गाने बजाए क्योंकि हमारे मेहमान जाएंगे प्यारे सितारे साथी करने के लिए। सुल्तान कलामुद्दीन खान जो एक नौजवान चेहरा है समाज की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार है, तो दो टीम बिल्कुल गाने बजाए। एच एम ग्रीन सिटी लखनऊ जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका बहुत बड़ा शेयर है। ये फुरकान कलामुद्दीन खान आपका शुक्रिया।
इस टीम लगा ले मैच शुरू किया जाए बेहतर है। कुछ देर बैठ के हमारे मेहमान मैच देखेंगे, उसके बाद ही उद्घाटन होगा। अभी हमारे मेहमान कम से कम एक इनिंग मुकाबला देख ले, उसके बाद फिर उद्घाटन होकर बेहतर है। तीसरी पहले कोई शिकार बल्लेबाज पहुंचे और चार लोग आ जाए बाहर। राजपुर शिकार के खिलाड़ी हैं दोस्त, दो बल्लेबाज पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज नईम और मशहद आलम पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। छह प्लस छह का मुकाबला है। शेरवा के पास अच्छी बल्लेबाजी अच्छी किताबी है। राशि शेरवानी है, शहनवाज है, शेरू शेर अफगन है, अब्दुल रहीम होंगे और ऐसे बहुत सारे नाम है दोस्त। साकिब जो काफी कच में है बल्लेबाजी अच्छी करते हैं साकिब, ये तमाम लोग हैं। सुल्तान कलामुद्दीन खान आपका शुक्रिया इस में आने के लिए, इतना योगदान आपका है। आपके आने से धोमिन में बाहर आई, लेकिन इस इनिंग के बाद धोमिन को खत्म किया जाएगा और सुल्तान कलामुद्दीन खान को देकर कहा गया कि इस सादगी पे कौन न मर जाए सजा, लड़ते और हाथ में तलवार नहीं। लेकिन गेंद को रोज करना जो जलाया गया ज्यादा जला दिया गया है, तो जो बच्चे ये गलती कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर जो अपने लाइट जला रहे हैं उसका जलाए कोई मेहरबानी होगी, लाइट की भी जलाए। शहनवाज वाले कहा विकेट कीपर है और बिल्कुल फ्रेश तरह ताजा लग रहे हैं, माना ऐसा कभी तैयार होकर घर जाए। राशि शेरवानी कहा पे मैंने कहा कि विकेट विकेट की मैदान के ऊपर करेंगे और छह प्लस छह का मकाबला है। छह प्लस छह का मकाबला, बॉलर्स कौन आएंगे? बॉलर्स राजापुर शिकार जीतेगा तो सबके इसलाही 500 रुपए की इनाम देंगे। शालिम टी कार्ड क्वालिटी वेयर 200 रुपए की इनाम दे रहा था, जीतने का संजयपुर जीता है तो 200 रुपए की इनाम वहीं दे देंगे तो बेहतर होगा। जावेद खान साहब जयपुर शिकार जो कोच है वो शालिम विराट का इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन बॉलर अब रही माता बिठा दें। अब्दुल रहीम मैंने कहा यहाँ पे आए हैं कि रवि के निकले नई स्टाइल के नॉन स्टाइल के मसल वाला दो लिफ्ट बल्लेबाज रखा ओपन करने के लिए आए हैं। कॉम्बिनेशन तो इनके पास राइट और लेफ्ट दोनों था, लेकिन दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। अब्दुल रहीम को आने के लिए तैयार, छह प्लस छह का मुकाबला। राजा को शिकार बल्लेबाजी करा, शेरमा की दावी करा, पहली गेंद और सुकून का खेल रहे थे। वालेकुम सलाम नायब पठान भाई, नहीं भाई यहाँ पे जो है खेजा सराय नहीं है, मंजीर पट्टी भी नहीं है भाई, मंजीर और समाज की सेवा करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। फिर नहीं जरूर खेला था, लेकिन उनके बैट पे नहीं, उनके पैर से लगे लिपाई को शामिल एक रन स्कोर का आगाज हुआ। लिपाई को शामिल अब मशहद आलम किस मौसम बल्लेबाजी करेंगे? पिंडाल मेहमान तो भरा पड़ा है, लेकिन एक भी मेहमान नहीं दिखाई दे कौन कौन बैठे हैं, क्योंकि सामने इतने दर्शक है तमेंट बॉक्स के जो स्टेज नहीं दिख रहा है। मंजीर पट्टी नहीं है भाई, मंजीर पट्टी नहीं। डॉक्टर इतिशाम साहब ऐसे एमरजेंसी सूर्जी के साथ यहाँ पे एक रन पूरा कर रहे हैं बाई के शक में और इसी बाई के साथ रन जा पहुंचा। यहाँ पे तीन अभी तो गलत रन नहीं बना है, लुकाई बाई बाई या बन गया है। तो सुल्तान कलामुद्दीन साहब आपका शुक्रिया, इस पॉइंट में आकर आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपकी योगदान के विरोध इस पॉइंट में आगे बढ़ रहा है। जितना जो खूबसूरत है खूबसूरत काफी आई है, रेहान सचरी प्रीत सिंह देहरादून उत्तराखंड की तरफ से तीन लगातार छक्के दे 300 का इनाम है। उस मतदान ने खेला है 6 रनों के लिए, काफी समझदारी के साथ रनों के लिए। और क्रिकेट में ये कहा जाता है कि विद्वर्क अगर आपका चलेगा तभी आप सक्सेस होंगे। उसी छह के फर्स्ट ओवर में राशि शेरवानी तुरंत 9 रन बनाए दोस्त, राशि शेरवानी तुरंत संभालने की याद है रहीम को कि रहीम देखिए नईम काफी खतरनाक काफी बल्लेबाज है। स्कोर 9 रन पर छक्का लगा है जंगल से। अभी अहमद सर बाकी है, आजिम है, सैफ है, सफीला है, ऐसे बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, थाकर बल्लेबाजी है।
कैच आउट, 9 रन की स्कोर पे पहला झटका लगता हुआ राजापुर सी ग्राउंड को। रोमान की टीम नहीं है, कोच से मैं चाहूंगा कि खिलाड़ियों की आई टेस्टिंग करा के उन्हें चश्मा पहना दें, क्योंकि बिल्कुल उन्हें गेम सही नहीं दिखाई। अगर इतनी छोटी बाउंड्री में यही कैच दे रहे हैं, ये साफ है कि मिस टाइम स्टॉप था। फिर कान के आप दिन कान साहब आपका शुक्रिया किया गया इनके साथ जुड़े हैं फाइन मार्क अर्बन पॉइंट तमाम लोगों के नजर की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा है जो लोग सभी के साथ जुड़े हैं। शाहवान खान नहीं आउट हुए भाई, नहीं नहीं आउट हुए। और ये अहमद सर के बल्ले से पहला छक्का निकलता हुआ लेकिन गेंद पकड़ते रहे तो बेहतर होगा इसका इससे दिलकश अंदाज में ये मुकाबला आपके सामने है। कलामुद्दीन ग्राम सभा है भाई, ग्राम सभा लेकिन उनके वारिस उनके बच्चे हैं, इस समाज की सेवा करने को तत्पर तैयार है। शेरवागर जीतेगी तो फैमिली ज्वेलर्स 500 रुपए ग्राम देगा, लेकिन भाई जान ये बात ये भी होगी अगर सेवा नहीं जीती है तो ये 500 रुपए चला जाएगा खरेवा कप के फंड में। जो लोग अनाउंसमेंट दवाए इस चीज को पहले दिन अनाउंसमेंट हो रहा है कि अगर जीत रहा है शेरवा तो नसीरपुर नहीं है भाई, नसीरपुर नहीं, 500 खरेवा कप के फंड में जाएगा, पैसा जमा करवा दे वरना मुझे हिसाब देना पड़ेगा। अहमद अगर तीन लगातार चक्कर लगाएंगे तो अब्दुल राजी उन्हें 500 रुपए इनाम देंगे। नशे वाले 200 रुपए इनाम दोस्त आया है फैमिली जिले की तरफ से, अगर करवा ये शेरवा जीतेगा नहीं जीता तो यह हुआ करवा का जीता था शेरवा का, तो यह है 200 रुपए इनाम आया। तो शुरू के बाद पिछले पहुंचे मसद आलम के लिए बच्चा स्टोर खिलाया यहाँ पे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए मुसैब आलम के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत चौका है। जमाल नासिर वहां पहुंच रहे हैं देखने के लिए, कोई 4 बता रहा है कोई 6 बता रहा है, लेकिन जमाल नासिर की निगाहें क्या बताएंगी ये देखने के लिए पहुंचे मैं को। मैं अपने मेहमानों का बिल्कुल गहराई से इस्तकबाल और बदन शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग इस खेल के बाहर नहीं सा रहा था वो अच्छा है फाइनल आज है, फाइनल आज है, बकरा नहीं है भाई, बकरा नहीं है लेकिन एक रन लेगा अहमद के बल्ले से छक्का निकला था। और अगर अहमद का बल्ला चला तो राजा पेशिकार के बल्ले बल्ले हो गए, ये देखा जा रहा है। चौथा और आखिरी मुकाबला जिसके बाद खेला जाएगा वरना वो जयराजपुर बनाम जागापुर के बीच खेला जाएगा, उसके बाद जो मुकाबला होगा वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा, फिर सेमीफाइनल का मुकाबला होगा, फिर फाइनल का मुकाबला होगा। उनके सामने है मोहम्मद अहमद, न्यूजीलैंड जैसी किट पहने के बारे का अपने गेम को शो कर रहे हैं। तैयार है प्रिया तीन झूम का शुरू किया करेंगे और ये हर आप देखने कहूंगा ये बेहतरीन का ऐसा होगा।
सुल्तान सलामुद्दीन खान साहब आपका शुक्रिया कि आपने पेमेंट के साथ जोड़िए हैं। इस समय में चार चाल लगा रहे हैं और आप लोगों के गवर्नमेंट बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत लगते ठीक आता आपके दर्शक आए हैं। इससे पहले वाला मुकाबला बस तीन थर्ट आने वाला मुकाबला बस सज्जयपुर और खंडवारी का अंततः सज्जयपुर जीत गया तीन दिनों से, लेकिन हाँ भी यहाँ बल्ला वैसा माता अंत में थोड़ा जगह था तैयार है। क्या एक बता से आसिफ भाई मिलेंगे अगले मैच, अगले मैच में जो है आसिफ भाई मिलेंगे। और ये बहुत अच्छी विकेट की फिनिश है आसिफ, स्कोर 23-23। तो मैं अपने मेहमानों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करने का आवेदन कर रहा हूँ कि फुरकान कयामुद्दीन खान को लेकर कहा गया उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो, हंसी लोग कहा मुस्कुराते हैं। ये मुस्कुरा रहे हैं वैसे बैठे हुए स्टेज पे, उसके एक चार चार लगा रहे हैं। तालिब तैयार दिवाली के राशि से वहां लगातार दिख दे रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। तालिब देखिए क्या खतरनाक बल्लेबाज मोहम्मद अहमद है तैयार होते हैं। और ये फिर स्टेज लगा गया, फ्लिक किया गया है। और ये शहर के आप इस तरह पहुंचा अब यहाँ पे 28-28। कमेंट्री कर रहे हैं अफगान भाई, और ये बेहतरीन अफगान भाई कमेंट्री कर रहे हैं। और ये बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 28 रन पर जारी, 28 रनों पर स्कोर जा पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर राजापुर सिकरौर का। 28 रन स्कोर हो चुका है, इस तरह से बड़े हासिल रहते हैं 500-400 से कोई बहुत ज्यादा काम करता भी ज्यादा नहीं है, लेकिन टीम के हाजिर रहते हैं। फिर दो चौके के साथ वहां पे खेला गया हाल, लेकिन के बाउंड के बाहर चार रन का फील्ड बाई के रूप में चौका मिलता हुआ, पांच रन बन खड़ा हुआ, पांच रन मिलता हुआ इसको जागो 33 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर राजापुर सिकरौर। एक और चौका अहमद सर के बल्ले से निकलता हुआ एक और खूबसूरत चौका, जमाल लाफी साहब ग्रास से आप आ जाए। और ये जमाल लाफी साहब आपसे सुल्तान सलामुद्दीन साहब मिलना चाह रहे हैं, अंपायरिंग करेंगे वहां पे आप। ये राजू आज बताने क्यों चले गए, नींद 37 रनों पर स्कोर यहाँ पहुंचा है एक विकेट के नुकसान पर राजापुर सिकरौर। यहाँ पे है 37 रन तैयार होते बेहतरीन मैंने कहा यू की किताब के सामने सुल्तान कयामुद्दीन खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंगेरी सिटी के ऑनर आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सिंगलपुर चंगेरी सिटी का अच्छा मुकाबला जीता है, 500 रुपए के नाम यहाँ संजय दिया था नजर आलम लड्डे को, चार गेंदे हुई है यहाँ बॉल टू बॉल स्कोरिंग कर रहे हैं सऊद रॉयल प्लास्टिक के जो ऑनर है पाकिस्तान ने अहमद के लिए फिर कोई प्रतिष्ठा के बाहर अंपायर का साथ चार या छह चार चौका अहमद सर के बल्ले से निकलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 41 रन 41 रनों पर स्कोर जा पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर 41 रन हुआ है भाई 41 रन एक विकेट के नुकसान पर। दो ओवर की समाप्ति पर राजापुर सिकरौर का टोटल स्कोर 42 रन 42 रन पे स्कोर जा पहुंचा दो ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर राजापुर सिकरौर। वालेकुम अस्सलाम उमर से भाई 42 कलामुद्दीन खान खंडमपुर एच एम गिरी सिटी के ऑनर में आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इस खेल में आपने आकर इस खेल का मान बढ़ाया सम्मान बढ़ाया। अब मैं कहा कि ये अब शायद सीता काटा जाएगा, अब शायद सीता काटा जाएगा यहाँ पे किसान पत्रकार दोनों इष्ट की लड़ाई जा रही है। तो अब दोनों टीम लाइन पर जाए, दोनों टीम ग्राउंड पर लाइन पर जाए, मेहमान मारे जाएंगे, कहीं नहीं जाना है इसलिए वो जल्द जाना चाह रहे हैं। तो क्या इसे तारीफ हासिल करेंगे बहुत
अहमद पांच गेंदों पर 19 बनाए, राजापुर सिकरौर टीम के पांच गेंद तक टूटे। राजापुर सिकरौर अपने लाइनअप पर जाए, लाइनअप पर जाए तो मैं देख रहा हूँ की आज बादशाह भी होगी। एक नौजवान चेहरा मैं देख रहा हूँ की इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए जा रहा है की जिस ओर जवानी चलती है उस ओर दिमाग है। तेज बोल रहा हूँ युवा खान कलामुद्दीन खान, बिल्कुल नौजवान चेहरा जो अपने दोस्तों के साथ इस मुकाबले में आए हैं चार चांद लगाने के लिए और इन लोगों के तरफ से ये टूर्नामेंट आपके सामने देखा जा रहा है। एक बड़ी बड़ी तादाद में देख रहा हूँ कि दर्शक यहाँ पे देखे जा रहे हैं, उनका शुक्रिया। फिरकार कलामुद्दीन खान खदमतपुर एच एम ग्रीन सिटी इस वक्त जो उद्घाटन करता है, मैं उनका वेलकम कर रहा हूँ। आपका माही इन्हें पूरी दुनिया को दिखाया, आजम गढ़ क्रिकेट लाइव दिखाया, कस्बा माहौल के जिसे लाइव देखा निकाल मेहमान है क्या वो कमेंटो ना तो कहा बहुत बहुत स्लो चला था यार, फाइनल लेने लाट बच जाए। ले ले भैया एकदम ले ले, अरे दे मगर सारे पिछवा देखे ना उड़ाते हैं चला बस करा चालू करा मर्द अपने काम को अंजाम देने के बाद वापस आ रहे हैं। मेरा शुक्रिया कहता रहा हूँ इस बड़े काम को अंजाम देकर आप यहाँ पे आए, आपका शुक्रिया। अब लगा भी चल पूरी अपनी चल और भाई को चेयरमैन भी यहाँ पे है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तीन मिनट के लिए लखनऊ में प्रॉपर्टी लेना है, कहाँ सामान शेरवानी से कॉन्टेक्ट करें और एच एम ग्रीन सिटी तमाम लोगों का भेज रहा है। फुरकान कलामुद्दीन खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस समय के साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अपने पैरिस अब्दुल रहीम की शादी करने के लिए आए मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, 2022 किया हमारे बीच आए और इसके लिए साथ जो आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और ये अब्दुल रहीम किस तरह से सामने करेंगे सलमान अब्दुल रहीम का, इसके बाद जयराजपुर का मुकाबला खेला जाएगा जागापुर के साथ। अब यहाँ पर मैं भारत की तरफ से सामना करेंगे अब्दुल रहीम का, तो 6 का मुकाबला है, बहुत ही खूबसूरत ये मुकाबला आपके सामने चला है। स्कूल से मुकाबले में जैसे आज जीते हुआ था अपना जेल 200 की इनाम देगा वाली शाही रंगी मार्केट सामने फैमिली जेल राशिद सिरवानी में देखा हम लगातार अपनी टीम गाड़ी को तकलीफ दे रहे हैं। राशिद को मालूम है कि अगर 80 रन बढ़ गया 6 ओवर में फिर हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि समीर जैसा
मिस्ट्री बॉलर है जिनको अब तक आदमी रखा नहीं पाया है। और ये विकेट मुझसे बालम के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे राजापुर सिकर को। अब समीर जा रहा है बल्लेबाजी करने के लिए, तो समीर जा रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 43 के स्कोर पे दो सारे बल्लेबाज नहीं मौका सर 43 रन के स्कोर पर दो समीर को ऊपर खिला के, या समीर टच में है पूरी बल्लेबाजी में क्योंकि आजिम है सैफ है। और ये मुजीब साहब जो डोरा गवर्नमेंट के ऑनर है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बेहतरीन मैंने कहा ये खेल आपके साथ चला है यहाँ पे। अब्दुल रहीम अहमद और समीर की जोड़ी क्या करें, समीर इस टाइप के हैं और अपने फेडरों को बता रहे हैं रियासत तैयार रही है पेश करने के लिए, रियासत तैयार रही है। लेकिन अब क्या करेंगे समीर, अब्दुल रहीम तैयार एक मिनट भी अपने वाली मार्ग से जगह का प्रकाश किया फिर तो पहुंचे गेट करेंगे और फिर करने में कामयाब हुए अब्दुल रहीम यहाँ पे 43। तो अच्छी गेंद मैंने कहा अच्छी की बाजी हो रही है, काफी अच्छी की बाजी वैसे यहाँ पे हो रही है। सोच समझ के अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जो बेहतरीन अंदाज में अपने काम को अंजाम देना चाहेंगे। एक बेहतरीन मैंने कहा यहाँ पे एक रन पूरा किया वाइट बॉल का आदर्श यहाँ पे आया है। तो अब्दुल रहीम अब सुल्तान कलामुद्दीन खान आपका शुक्रिया कि यहाँ पे आया मदद दिया। तो जमाल नासिर एंड कंपनी खेल में कंपनी वाइट नहीं वाइट गेम नहीं रोज, तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मैंने आपको दिया इसमें उनका फीता काटा इसमें आपका बड़ा पहचर के आपने हिस्सा लिया, इसलिए अहले खेलवा कप आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। खेलवा कप आपका शुक्रिया अदा कर रहा है सुल्तान कलामुद्दीन खान सचिन गिरीन से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार रही बेहतरीन की बारी करें इसको यहाँ पे 44 रन इसको 44 रन और 1 पॉइंट आपको बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। नर्सिंग होम एशिया एमरजेंसी रॉयल क्लिनिक रॉयल प्लास्टिक सुल्तान कलामुद्दीन साहब हमारे बीच से अभी वापस जा रहे अपने घर की तरफ देने के लिए संविधान आया बन रही है क्या कैच होगा जी नहीं कैच नहीं होगा एक रन मिल जाएगा। सुल्तान के साथ इसको लेकर चाहिए आप 45 ये एक ऐसा नाम जो आजमगढ़ में या आजमगढ़ के बाहर भी समाज की सेवा करने में तत्पर तैयार है। यह घराना सुल्तान कलामुद्दीन खान आपका शुक्रिया क्योंकि ये घराना बिल्कुल समाज की सेवा करने में तत्पर तैयार है। हमारे बीच यहाँ पे आए थे शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, किसी काम से जा रहे हैं और बाहर भी बच चुका है दोस्त, तो धीरे धीरे तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है। इसके बाद जारापुर का मुकाबला होगा जारापुर का कलेक्शन शामिल जो एच एम ग्रीन सिटी सुल्तान कलामुद्दीन साहब के साथ आए थे। अभी यहाँ पे गेंदबाज लेके बाहर जा रहे चार नकली समीर के बल्ले से ये चौका आया है इसी चार के साथ से जा पहुंचा अब यहाँ पे 1-4। तो ये सुल्तान कलामुद्दीन खान के ये भांजे हैं हसीब हबीब जो पूरा कलेक्शन के ऑनर है, ये लोग यहाँ पे आए लोगों का शुक्रिया बेहतरीन मेरे काम ये गेंद मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ उसके लिए जो है माजरा चाहूंगा क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी इसीलिए जो कमेंट जो लोग कर रहे हैं वो बता नहीं रहा है कमेंट तो इसीलिए जो है थोड़ा सा कमेंट के लिए जिसमें से मैं देख रहा हूँ कि ये काफी लंबे तक्के हैं काफी लंबे तक्के हैं। सुल्तान कलामुद्दीन खान साहब आपका शुक्रिया स्वामी का साथ जुड़ने के लिए जिसमें साहब गए और मुजीब साहब जो बड़ा प्रेशन भांजे हैं वो भी स्वामी के साथ गए। अब यहाँ पे कुछ कर रहा होगा वापस गया
और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जुड़े हुए वैद खान भी देखे गए, शाहबान खान भी देखे गए, जावेद खान साहब भी यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तमाम लोग जावेद भाई में देखे खुश है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तैयार होती है। एक मतलब शेर अहमद के लिए यहाँ पे लेकिन काफिर के सहारे एक में जाए दस एक के साथ 50 दो ओवर में था 42, तीन ओवर चौथे ओवर में हो गया 50। समीर को आना है, समीर याद होगा रेफर को जो एक अकेलती बाइक जीती है, एक गिफ्टी शेयर चाहिए था, तभी उसके बाद से फुलपुर का पावर हाउस को छक्का लगाकर मैच रेफर सिकावर को बाइक दिया था, समीर नाम था वो, वही समीर बल्लेबाजी करा है, तैयार होती है और फिर नीचे होती है राजनिवास खाना है क्या क्या खाए। राजनिवास गुटका यहाँ पे अपने सेवा दे रहा है दोस्त, जो भी गुटका खाना पसंद करते हैं दोस्त यहाँ कमेंट बॉक्स से ले सकते हैं। राजनिवास के गवर्नमेंट भी होने जा रहा है मंजू पट्टी में, जो और एक मरतबा बहुत खुशिया सही मिलन बैट और बॉल का सही मिलन छह रनों के लिए, इसके शीशे के साथ पहुंचा अब यहाँ पे 56 और इस छक्के के साथ स्कोर या बजा 56-57 राशि से आने विकेट कीपिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं अपने बाबू से किस तरह से समय की गेंदबाजी कीजिए। अहमद आप टच में आ रहा है, अब अहमद वापसी कर रहा है और अगर तीन लगातार छक्का लगाएंगे अहमद तो अब्दुल राजीव 500 रुपए की इनाम देंगे उन्हें। शेरू तैयार छोटे बच्चे को कहा था तो बेहतर होगा, तैयार होते बेहतरीन मेरे ग्राम शेरू अपने काम को अंजाम करने के लिए ध्यान हासिल किया, पैसे का प्रयास किया, दूर तक पहुंचेंगे करेंगे और फिर मरतबा स्लो गेट किया था और 48 गेंद लगी वही खुले रखे रह गई। इसको अभी 57 मेरे भाई राजनिवास कहीं दूर रख रहे हैं इस गुट के करो, यहाँ से दूर रहेंगे तो बेहतर होगा राजनिवास क्योंकि वहां डिस्टर्ब लोग कर रहे हैं। आप शुरू तैयार थोड़ा शुरू किया तब तो हमने पास किया गुप्त पहुंचे गेट करेंगे अहमद को अच्छी तरह ड्राइव के खेलने को बिल्कुल गेट नहीं लगे मिला बैट नहीं और एक रन मिलेगा इसको एक के साथ इतना दया कलेक्शन में जी साहब आपका भी शुक्रिया कि आप इस लाइन में आए और अपना योगदान दिया तैयार बेहतरीन कर रहा है। ये एक और रन लेने में कामयाब हुए इसी एक रन के तहत 64 रन अब्दुल रहमान खेवा वसीम अहमद साहब खेवा मोहम्मद राशिद मुंबई मोहम्मद सालिफ काफलेबाद अरबिन पॉइंट खेवा मऊ और रॉयल डेंटल क्लिनिक रॉयल प्लास्टिक फातमा ये फहद नर्सिंग होम और फाइन मार्ट डेरा कलेक्शन ये तमाम नाम लिख गए हैं तो इसको यहाँ पे हो कि ये चार ओवर हो चुके हैं। मैं तो समझ रहा हूँ कि जो समीर जिसके लिए भेजे गए वो काम नहीं कर पाए, पिच हिटर के लिए भेजा गया था रन बनाया लेकिन मैं देख रहा हूँ रन नहीं बना पा रहे हैं और अहमद भी रन तो जरूर बना रहे हैं लेकिन वसीम अहमद पप्पू तेजर साहब आपको स्टोर किया जा रहा है आपका इंतजार किया जा रहा है। वसीम अहमद पप्पू तेजर साहब आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे आप स्टोर किया जाए अच्छी गेंद की यहाँ पे ये आउट अहमद आउट ये वहां पर कट गया तो अब देखा जाए कौन से बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। तालीम मरेगा अब जा रहे हैं सैफुल्ला जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इसका साथ रन और ये ओवर नंबर 5 चल रहा है तो दो तक तो ठीक ठाक बल्लेबाजी हुई लेकिन उसके बाद चौथा ओवर चला बस ये चौथा ओवर चल रहा है अब पहुंचे हैं सैफुल्ला बल्लेबाजी करने के लिए। सैफुल्ला और समीर के पास अपने खेल को दिखाएंगे आज अहमद के पास सुनाया माता का छुट्टी बनाने का लेकिन कामयाब नहीं है और ये क्या पूछ रहे अब चार ओवर चौथा ओवर जारी है तालीम के बाद पांच ओवर दोस्त आलू की गाड़ी कर रहे हैं चार हो चुका है पांच ओवर जारी है तो शेर का चार ओवर खत्म होता है पांच ओवर पाली
एक मतलब फिर आप दिख रहे हैं गेंद को लगातार मतलब कट कर रहे हैं और बीट रहे इस हरे गेंद से फ्रंट के इस्तेमाल करके सिग्नल के लिए तो कामयाब है कट करने के लिए जाएंगे तो बीट होगी वही कहा दोनों को स्टार कट करने के लिए गए और ये आउट नहीं हुए लेकिन बच गए हैं फिर भी दोनों गेंद को डाल कर बैठे हैं बेहतरीन मतदान के बाद तालिब के द्वारा हो रही तालिब अच्छी की दादी कर रहे हैं ये रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते लेकिन ये बता रहे हैं कि इनके अंदर सजा छुपी हुई है बहुत जल्द जरूर खेला है और वहां पे कैच की समय डॉक्टर दिया शहनवाज ये दूसरा कैच छूटा है इनका मिला इस वजह से 61 रन एक आसान था प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट बट नो मैन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड लेकिन कोच और कैप्टन की रणनीति अलग और दूसरे मेरे काम बासठ है तैयार हो गया एक मतलब ताली बांटने लगे वाली बात टॉस भी किया विकेट कैसे गेट करेंगे सैफ जाते और फिर मतलब इशारा इसको एक के साथ पहुंचा यहाँ पर 63 फैमिली ज्वेलर्स मेरे काम होती यहाँ पे पास के लिए मेरे पास जयपुर टीम आ चुकी है और जयपुर टीम के आ जाए पास वाले टीम कैप्टन जयपुर जमाल नासिर आकर पास वाले कदा खैर करे तैयार है टीम और फिर जरूर वहां पे खेला है लेकिन एक रन भैया सानी के साथ मिलेगा जमाल नासिर साहब पास वाले स्कोर 64 ओवर किस बात की 5 ओवर किस बात की थी स्कोर है 64 रन 6+6 का मुकाबला है ज्यादा प्रोटीन के बाद जाए ज्यादा प्रोटीन कैप्टन है टास्क के लिए तो आपका शुक्रिया टेस्ट मैच के लिए आपका भी शुक्रिया यहाँ पे जिस मैच के साथ आप लगे हुए हैं तुम्हें मन्नत दरबार करवाओ आपका भी स्वागत है ये कमिंग सून है बहुत जल्द आने वाला है मन्नत दरबार मन्नत दरबार खराब हो हम सामान कुछ मैसेज दिया था कुछ मैसेज देकर सामान आया है तो मैं मन्नत दरबार कलेक्शन फातिमा रॉयल प्लास्टिक रॉयल जंगल अर्बन पॉइंट मोहम्मद सालिम पाकेवार मोहम्मद राशिद मुंबई वसीम अहमद खेमा और अब्दुल रहमान खेमा इन लोगों का बड़ा अच्छा योगदान है 3 तारीख को मन्नत दरबार ओपनिंग है मन्नत दरबार की 3 तारीख को ओपनिंग है एक रन जादापुर टीम कैप्टन जादापुर तरल साल आप आ जाए पांच हजार तक देखते हैं क्योंकि एक इनिंग ये लगभग खत्म होने वाली है स्कोर कितनी 65 दो ओवर में 42 था छठे ओवर में 65 है समीर खेला है लेकिन फील्डर मौजूद वहां पे और ये आउट किया गया वहां पे असगर सलमान ने कोई गलती नहीं की आउट अब सलमान निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए सलमान किस वहां से बल्लेबाजी करेंगे देखा जाएगा राजा पुरस्कार जीतेगा तो 37 लाही 500 रुपए की नाम देंगे मंजीर पट्टी नहीं है भाई यहाँ मंजीर पट्टी नहीं है और अगला मुकाबला जयराजपुर बनाम जागापुर के बीच खेला जाएगा लास्ट मुकाबला होगा ये लीग मैच का लास्ट मुकाबला होगा आज ही फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा सलमान मेरे कहा अपने सहने बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए शुरू की तरफ से गेंदबाजी करेगा जयपुर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जयपुर टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया जयराजपुर टॉस हो चुका है जिसमें जयराजपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया इस तरह से एक के साथ पहुंचे अब यहाँ पे 66 स्कोर जहाँ पहुंचा 66 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर
जी भाई, जो जीतेगा इसमें से उसका मैच संजरपुर के साथ खेला जाएगा। वसामा की टीम हार चुकी है, 3 रन से मुकाबले को हार चुकी है खंडवारी की टीम, और संजरपुर ने उस मुकाबले को जीत लिया था। फाइनल आज ही खेला जाएगा भाई, फाइनल मुकाबला आज ही खेला जाएगा। आसिफ भाई अगले मुकाबले में मिलेंगे भाई, आसिफ भाई अगले मुकाबले में। इस टूर्नामेंट में संजीव पटी नहीं जयपुर से ताज जीता है, जयपुर और पहले दीपावली करने का फैसला किया है। इसके बाद दूसरे राउंड का मुकाबला शुरू होगा। संजीपुर ने तुरंत समय जीता, अपनी हारी हुई बाजी को जीत लिया था। एक ओवर में 5 विकेट 12 रन आ गए थे, फिर 4 विकेट पे 6 रन चाहिए थे, लेकिन नजर आलम ने 4 रन 6 रन नहीं बनाने दिया 4 विकेट पे। और सलमान जरूर खेला है लेकिन और ये कैच ड्रॉप हो गया है। और इस 2 रन के साथ स्कोर जयपुर 70 रनों पर 71 रनों का टारगेट दिया है राजापुर सिकराऊ ने शेरवा को। शेरवा को ये मुकाबला जीतने के लिए 6 ओवर में 71 रनों की जरूरत। जयरापुर और जयरापुर के दरमियान मैच खेला जाएगा। जयरापुर के टॉप जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है कैप्टन राजापुर सिंह। अपने तमाम खिलाड़ियों के साथ मैदान में पहुंच रहे हैं। मैं कैप्टन शर्मा से गुजारिश करूंगा कि अपने दोनों टीम बैट्समैन जल्द से जल्द मैदान में भेजें ताकि मैच जल्द से जल्द शुरू। खंडवारी को टीम को सिंगल ना लेना भारी पड़ गया भाई, अगर सिंगल भी लेते तो टीम शायद जीत जाती, सिंगल ना लेना भारी पड़ गया खंडवारी को टीम वसामा को। क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। तबरेज जागापुर अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप इससे मिल लें। तबरेज जागापुर अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो आप इससे मिल लें। राजापुर सिंगरौली की टीम मैदान में पहुंच चुकी है और मैं कैप्टन शर्मा माजी जहां कहीं भी हो कागज से मिले, माजी जहां कहीं हो कागज से मिले भाई। आमिर अंपायर मैदान में भेजे भाई। जमाल नासिर अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो भाई एक अंपायर मैदान में भेजें ताकि मैच जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। एक कैप्टन राजापुर सिकरो अपनी फील्ड लगा रहे हैं इसलिए कि ओपनिंग बैट्समैन राजापुर शर्मा के दोनों ओपनिंग बैट्समैन मैदान में धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं कैप्टन राजापुर सिकरो से गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग से जाने ताकि मैच शुरू किया जा सके। और फर्स्ट अंपायर मोहम्मद आबिद जो इस टूर्नामेंट की अंपायरिंग करेंगे।
मैच स्टार्ट होने वाला है। स्ट्राइकर होंगे राशिद, नॉन स्ट्राइकर होंगे साकिब। नहीं भाई, मुंडियार हार कर पहला मुकाबला हार कर इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। नॉन स्ट्राइकर होंगे राशिद, नॉन स्ट्राइकर है साकिब। बॉलर्स में समीर, राजापुर स्क्वाड की जानी से पहला ओवर्स लेकर आए हैं समीर, और अंपायर आबिद की इशारे का इंतजार। मैच शुरू होने वाला है, पहली ही गेंद खेलने के लिए राशिद तैयार। समीर चले अपने ओवर के अगले गेंद राशिद के लिए, और इस मतरा वाइड हुआ। पहली ही गेंद खराब गेंद पड़ने के बाद लेग स्पिन को छोड़ रही थी, और एक रन मिल गए शर्मा को, और इसी के साथ शर्मा का खाता खुला। और इस मतलब फिर समीर की एक गेंद धीरे से खेल कर एक रन और कंप्लीट कर लिया। इन एक रन के साथ अब शर्मा का टोटल स्कोर पहुंच गया 2 रन। 72 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। हर ओवर में शर्मा को इस मैच को अगर आगे बढ़ना है, टूर्नामेंट में अगर आगे बढ़ना है, तो हर ओवर में 12 रन बनाने होंगे। 6 गेंदों पर 12 रन, हर गेंद पर 2 रन बनाने होंगे। एकाध छक्का जरूरी है, या एकाध कम से कम 2 चौके इसमें हर ओवर्स में खेलने होंगे। समीर, अब उनके सामने होंगे राशिद। समीर अंपायर को क्रॉस करते हुए दिख हो गया, और इस पर तो अच्छी गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल नीची रही, गेंद के बदन से उलझने के बाद वहीं पर रह गई बगैर किसी रन के। अब तक 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए हैं, और हर ओवर में कम से कम 12 रन बनाने होंगे अगर शर्मा को यह मैच जीतना है। और इसमें बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही दिलचस्प स्ट्रोक खेला है 6 रन के लिए। बहुत देर तक ये सजा में रही, और सीमा रेखा को क्रॉस कर गई 6 रन के लिए। इन 6 रनों के साथ अब स्कोर पहुंच गया शर्मा का 8 रन। हर ओवर में 12 रन चाहिए शर्मा को इस मैच को जीतने। मंजीर पटेल इस टूर्नामेंट में नहीं है भाई। राजापुर सिकंदर की जानिब से मंजीर पत्तनपुर की जानिब से दौड़ना शुरू किया, और ये अपने रनर को चूके, खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार नहीं थे। राशिद एक मरता फिर तैयार हो रहे खेलने के लिए समीर को। समीर चले विकेट के दरमियान से, इस मरता फिर ड्राइव किया, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेंगे बैट्समैन को। इस 1 रन के साथ स्कोर अब पहुंच गया है 9 रन। बंद तोरा वह मामा बहन के चेक किए बंद। समीर अपना ओवर के लिए, और उसमें छक्का ही जबरदस्त छक्का लगाया है कि बाउंड्री लाइन के और छक्का लगता हुआ शेरों के बल्लेबाज की जानिब से है, तो भाई गेंद वापस कर दे। अगर वॉलंटियर है तो गेंद वापस कर दे, या दर्शक ही गेंद को वापस कर दे भाई। और इस तरह अब टोटल स्कोर पहुंच गया 13 रन। स्कोर जा पहुंचा 13 रनों पर, 15 रन भाई, 15 रनों पर स्कोर जा पहुंचा। टोटल स्कोर पहुंच गया शर्मा का 15 रन, और उन्हें रन चाहिए हर ओवर में 12 रन, लेकिन 3 रन और बनाने इसलिए अपने तकनीक पर जो उनके ऊपर दबाव था उसको कम कर दिया है। और समीर एक मरता फिर, और इस मरता फिर ड्राइव किया लेकिन कामयाब नहीं हुए। गेंद पड़ने के बाद सीधी गई विकेट कीपर के पास, ओवर समाप्त हो गया। 1 ओवर की समाप्ति के पर बगैर किसी नुकसान के टोटल स्कोर है 15 रन। कुछ ना चल रहा, 72 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 6 ओवर में 72 रन। अब देखना है कि राजापुर सिकंदर की जानिब से मुसैब के पास गेंद है, देखना है कि कौन गेंदबाजी करने के लिए आ रहा है। चला
पारस मुशर अपने आप कैसे बन गए मिशर चले अपने ओवर के पहली गेंद लेकर और इस बार ट्राई किया लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग लेकिन एक रन और एक रन के साथ स्कोर अब पहुंच गया 16 रन शर्मा का टोटल स्कोर 16 रन बगैर किसी नुकसान के एक ओवर की समाप्ति पर अरे बहन में जब कार्य किया तो पांच को बटावर राजापुर सिकोर की जानिब से मुसाइल एक कई जुड़े लगे मुसाइल चले अपने ओवर की अग्नि के और इस मतलब ड्राइव किया अमित जीत की लाइन में फील्डर एक रन और मिलेगी बैट्समैन को इस एक रन के साथ स्कोर अब पहुंच गया 17 रन मुसाविक मरता फिर हमने और क्या करने के दौर इस मरतबा अच्छी गेंद थी पढ़ने के बाद बिल्कुल सीधी गई विकेट कीपर के पास छकाती हुई उनके बैट्स को बगैर किसी रन के बहुत अच्छी गेंद थी पढ़ने के बाद जी भाई अफ्ताब भाई थे अफ्ताब भाई और स्ट्रोक खेलना चाहते थे कामयाब नहीं हुए बाकी का काम कीपर ने पूरा किया मुसाविक मरता फिर अपने ओवर की अगली गेंद बहुत अच्छी अपनी पूरी लैब इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं वो साहब उनके सामने है बैट्समैन साकिब लगातार दो गेंदों पर डार्क बॉल की वो साहब एक मरतबा फिर साकिब के लिए और उस मरतबा उठाकर खेला है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए और इन 6 रनों के साथ अब स्कोर पहुंच गया है मुसाइले मरता फिर साकिब के लिए और इस मरता फिर ड्राइव किया लेकिन सिर्फ एक रन मिलेंगे बैट्समैन को इस एक रन के साथ स्कोर अब पहुंच गया 24 रन जो रन रेट चाहिए था पूरी तरह उनके कंट्रोल में है शर्मा के पास हर ओवर्स में 12 रन चाहिए और दोनों बैट्समैन बड़े इत्मीनान से ये रन बना रहे हैं ओवर समाप्त हो गया दो ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के शर्मा का टोटल स्कोर इस वक्त है 24 रन और यही 12 रन चाहिए हर ओवर्स में मैच को जीतने के लिए शर्मा को इस मैच को जीतने के लिए हर ओवर में 12 रन चाहिए नए बॉलर्स सेफ अब तो जिम्मेदारी साल से लगातार टूर्नामेंट खेलते जा रहे हैं और सिर्फ
टोटल स्कोर 43 रन हो चुके हैं, 71 रनों के जवाब में 43 रन हो चुके हैं सर। और कैसे मोहम्मद
के बाद जयराजपुर का मुकाबला खेला जाएगा जागापुर के साथ। मैच के बाद जयराजपुर बनाम जागापुर के बीच मुकाबला खेला जाएगा। Yeah.
और इस गोल के साथ इसको जा पहुंचा सठ रन पर स्कोर जा पहुंचा है। 12 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। शर्मा जी भैया आज भी फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। 12 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए शर्मा को। इस टूर्नामेंट में जिन लोगों का बहुत बड़ा रोल है वसीम अहमद खरेवा और मोहम्मद राशिद मुंबई, मोहम्मद सालिम पॉपुलर वार्ड, अर्बन पॉइंट खरेवा, रॉयल डेंटल क्लिनिक, रॉयल प्लास्टिक। आसिफ भाई अगले मुकाबले में, भाई आसिफ भाई अगले मुकाबले में लाइव जुड़ेंगे। मन्नत दरबार, इन लोगों का इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ज्यादा योगदान है, इसलिए इनका बराबर नाम देते रहे। तो छह गेंदों पर 12 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए शर्मा को। 6 गेंदें 12 रन। जी भाई आसिफ भाई अगले मुकाबले जीतेंगे। 6 गेंदें 12 रन शर्मा को ये मुकाबला जीतने के लिए। 2 छक्कों की जरूरत। और ये खेल दिया गया इस बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। और 5 गेंदें 6 रन शर्मा के मुकाबला जीतने के लिए। 5 गेंदों पर 6 रन शर्मा के मुकाबला जीतने के लिए। पांच गेंदें 6 रन और ये वाइड बॉल। 5 गेंदें 5 रन मुकाबला जीतने के लिए शर्मा को। पांच गेंदें 5 रन। और 4 गेंदें 4 रन। ये खेल दिया राशिद शेरवानी ने गेंदबाजी के बाद 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ शेरवा ने इस मुकाबले को जीत लिया राजापुर सिग्रह और इस टूर्नामेंट से बाहर। मुकाबला जयराजपुर बनाम जागापुर के बीच खेला जाएगा। लीग मैच का ये आखिरी मुकाबला जयराजपुर बनाम जागापुर के बीच खेला जाएगा।
अगला मुकाबला जयराजपुर और जागापुर।